हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। शुभारंभ हो रहा है 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में स्वच्छता का खासा ध्यान रखा जाएगा और इस पखवाड़े का मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुरुआत करते हुए शुभारंभ करते हुए ये सीधी तस्वीरें आपको पंचकुला से दिखा रहे हैं। तो मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी जो कि स्वच्छता में एक बहुत अहम रोल निभाने वाली है, मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी का शुभारंभ मुख्यमंत्री कर रहे हैं सीएम मनोहर लाल। इस लेबोरेटरी वैन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। पंचकुला में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं, स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत हो रही है, साथ साथ मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन की भी शुरुआत सीएम मनोहर लाल ने करी है जो कि पानी की गुणवत्ता को देखेगी। ये एक वैन होगी जो जगह जगह जाकर पानी की गुणवत्ता को चेक करेगा। मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन की शुरुआत आज हो रही है हरियाणा के अंदर। सीएम मनोहर लाल ने इस लेबोरेटरी वैन को हरी झंडी दिखा रहे हैं इस वक्त। और इसके साथ ही आपको बता दें स्वच्छता पखवाड़े का भी शुभारंभ 2 से 17 अक्टूबर तक हो रहा है, तो ऐसे में इसके तहत प्रदेश भर में साफ सफाई का स्वच्छता का खासा ध्यान रखा जाएगा। आज एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च हो रही है जिसमें आप प्रदेश में कोई भी नगरीय निकाय कोई भी इलाका हो आप वहां पर अगर गंदगी की कोई तस्वीर देख सकते हैं तो आप उस स्वच्छता की एप्लीकेशन पर उसकी तस्वीर आप अपलोड करेंगे तो उस तस्वीर के माध्यम से उस गंदगी को तुरंत हटाया जाएगा और अगले 3 घंटे में कार्रवाई नहीं होती है तो इस पर जुर्माना भी लगेगा। तो अगले 15 दिन अब हरियाणा की स्वच्छता को लेकर विशेष एहतियात बरती जाएंगी, विशेष ध्यान दिया जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ हरियाणा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और अगले 15 दिन तक ये अभियान कुछ इसी तरीके से जारी रहने वाला है। आपको बता दें स्वच्छता पखवाड़े को लेकर जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और इसके अलावा आपको बता दें आज मुख्यमंत्री पंचकुला में हैं, वहीं जींद में डेप्यूटी सीएम पहुंचे हैं। इसके अलावा तमाम सरकार में कैबिनेट मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में जाकर स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ कर रहे हैं। अगले 15 दिन तक हरियाणा के अंदर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दिया जाना है और स्वच्छता को लेकर जो एप्लीकेशन जारी की गई है उस एप्लीकेशन पर आप हरियाणा के अंदर कहीं पर भी गंदगी की कोई तस्वीर देखते हैं तो उस ऐप पर आप अपलोड कर सकते हैं, वहां पर उस तस्वीर को देखकर तुरंत उस इलाके में कार्रवाई की जाएगी। अगर अगले 3 घंटे तक उस इलाके को साफ नहीं किया गया तो जुर्माना भी लगेगा। तो हरियाणा सरकार स्वच्छता पखवाड़ा मना रही है 2 अक्टूबर आज गांधी जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब पहली बार सरकार बनाई थी तो उनका जो सबसे बड़ा अभियान था पूरे देश में जो चला था 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के दिन उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी और उसी की तर्ज पर हर साल हरियाणा में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वच्छ हरियाणा अभियान की शुरुआत करते हैं। इसी तरीके से स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान चलाया जाता है और इस बार 15 दिन का यह पखवाड़ा शुरू होने जा रहा है स्वच्छता को लेकर। प्रदेश में अगले 15 दिन तक सफाई को लेकर विशेष ध्यान दिया जाएगा और हरियाणा के लोगों से भी यही अपील करी जा रही है कि अगले 15 दिन तक आप भी स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें। अगर आपके इलाके में गंदगी की कोई तस्वीर आपको नजर आती है तो स्वच्छ हरियाणा मिशन के तहत जो एप्लीकेशन बनाई गई है आप उसे अपने फोन में डाउनलोड करके उस पर उस गंदगी की तस्वीर और उस इलाके का नाम अगर डालेंगे तो तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई अगले 3 घंटे के अंदर अंदर नहीं होती है तो इस पर उस पूरे इलाके में जिनके ऊपर सफाई की जिम्मेदारी है उनके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। तो इसी के साथ साथ मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन की भी आज मुख्यमंत्री ने शुरुआत करी है। सीएम मनोहर लाल लेबोरेटरी वैन को हरी झंडी यहां पर उन्होंने अभी दिखाई है। ये वो टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन है जो जगह जगह पर जाकर पानी की गुणवत्ता का ध्यान रखने वाली है, पानी की क्वालिटी का टेस्ट किया जाएगा। इस वैन के जरिए काफी मदद मिलेगी, पानी को साफ पानी लोगों तक पहुंचे इसकी जांच बेहद जरूरी होती है और
ऐसे में मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन की भी शुरुआत अब हरियाणा के अंदर कर दी गई है। और अब मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, अब जल्दी मुख्यमंत्री का संबोधन शुरू होगा और स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर मुख्यमंत्री जाहिर तौर पर बहुत कुछ महत्वपूर्ण बोलेंगे। तो बस कुछ ही देर का इंतजार और मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होने वाली है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पंचकुला से, 2 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा, इसका जो है ना हम हमारे मुख्यमंत्री जी के नाम आयोजन कर रहे हैं। और इस मौके पे इस पूरे के पूरे राज्य के, वैसे तो हर एक जिले में ये चल रहा है अभी प्रोग्राम, बट राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे पंचकुला की शुरुआत करी है। तो मैं इस मौके पे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ, जिला प्रशासन का स्वागत करता हूँ और मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करता हूँ कि इसका जो महत्व है, इस महत्व के बारे में आप लोगों को थोड़ा लेकिन माइक लगाया कि आवाज आएगी बाहर कहीं है माइक चलिए अब हुआ हमारे बीच में हमारे विधानसभा के स्पीकर और पंचकुला के हमारे स्थानीय विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, अर्बन लोकल बॉडीज के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री देवेंद्र सिंह जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर ओझा जी, हमारे जिला अध्यक्ष अजय शर्मा जी, उपस्थित सभी सज्जन वृंद, पत्रकार और छायाकार साथियों, जैसा हम जानते हैं आज 2 अक्टूबर का दिन है और 2 अक्टूबर का दिन सामान्यतया गांधी जयंती के रूप में हम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि एक और महानुभाव जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे श्री लाल बहादुर शास्त्री, उनकी भी जयंती का दिन है। दोनों ही महानुभाव बहुत ही सादा जीवन जीने वाले, उच्च विचार वाले और देश के अंदर एक विशेष भूमिका ये अदा करके गए हैं, ऐसा हम मानते हैं। जहां तक गांधी जी का जीवन चरित्र का विषय है, सत्य और अहिंसा ये उनका बल था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के विकास में, प्रगति में जय जवान जय किसान का नारा दिया, देश की रक्षा सुरक्षा को पुख्ता करना और देश के लोगों की खुशहाली, ये उनके सामने लक्ष्य थे। दोनों ने अपनी भूमिका निभाई। गांधी जी का एक विशेष आग्रह था, अरे जमर बंद करा दो भाई, पता कराओ फिर। उनका विशेष आग्रह ये स्वच्छता की ओर रहता था, गंदगी को कैसे दूर किया जाए ये उनका आग्रह था। अगर माना जाए तो देश की गुलामी ये भी उस समय गंदगी थी, एक गंदगी कूड़ा करकट की होती है, एक गंदगी व्यवस्थाओं के अंदर छुपी होती है और एक गंदगी हमारे देश की जो गुलामी थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने सारा जीवन लगाकर देश को आजाद कराया। देश को आजाद 1947 में वो करा गए, लेकिन इसके बाद दोनों फ्रंट्स पर काम करना वो भी शेष है। आजाद हम हो गए 1947 में, लेकिन अपने देश को जिस तरीके से इसकी स्वच्छता सफाई आज 2020 तक भी जैसी होनी चाहिए थी, अभी भी उसमें अभाव है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जयंती 2014 को भारत स्वच्छ भारत का जो एक संकल्प लेकर के और जनता का आह्वान किया था कि हम अपने देश की हर प्रकार की गंदगी को दूर करें, स्वच्छ करें, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत देश भर में बहुत से काम शुरू हुए
और उसके परिणाम भी निकल रहे हैं। हमने हरियाणा में हरियाणा स्वच्छता अभियान चलाया और जिसमें आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को अगर कहा जाए तो जो स्वच्छता का एक मूल्यांकन किया गया, एक सर्वेक्षण किया गया, उसमें हरियाणा ग्रामीण जो है वो सबसे पहला प्रदेश है जो प्रथम आया था। आज तो उस कड़ी में कई और प्रदेश भी हो गए हैं। उसी को अगर मैं कहूं कि सबसे पहला जो चरण था ODF का, जिसको शहरी क्षेत्र ने भी पूरा किया, ग्रामीण क्षेत्र में भी पूरा किया, ODF सारा प्रदेश अब हो चुका है, अर्थात खुले में शौच मुक्त। इसके लिए मैं हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो शहरी निकाय विभाग है अथवा ग्रामीण पंचायत और डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है, ग्रामीण विकास का डिपार्टमेंट है, उन दोनों को, उनके कर्मचारियों को, उनके अधिकारियों को मैं बधाई भी देता हूँ। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसे हमने अप्रैल इसी 2020 में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्वच्छता अभियान का दूसरा चरण ये शुरू किया है और वो 2024-25 तक चलेगा। उसी में आज गांधी जयंती के दिन से स्वच्छता पखवाड़ा शहरी क्षेत्र के अंदर या पब्लिक हेल्थ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो ग्रामीण के हैं शहरी हैं, इस पखवाड़े में काम शुरू किया है आज से, जिसका आज अभी शुभारंभ किया है। सीवरेज की सफाई, पूरे प्रदेश के सीवरेज व्यवस्था, उसमें जो गंदगी रहती है उसके कारण से भी बीमारियां फैलती हैं, और खास करके ये जो काल चल रहा है कोविड का, इसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान बहुत जरूरी है कि किसी प्रकार से हम स्वच्छता, इस महामारी के ऊपर भी कंट्रोल अगर पाना है तो स्वच्छता उसका एक बहुत बड़ा जिसको कहना पहलू है। तो इस 15 दिन में शहरों की सभी की सीवरेज की सफाई और वाटर वर्क्स, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट के हैं अथवा और किसी विभाग के हैं, उन सब वाटर वर्क्स के अंदर जो गंदगी है, जो उनके पॉन्ड होते हैं उसके अंदर कई बार भर जाते हैं वो, उसको सिल्टिंग, जिसको डीसिल्टिंग का काम कहते हैं, वो भी अभियान हमने शुरू किया है कुछ जगह पर, और इन 15 दिनों में जहां कहीं नहीं हुआ उसको भी तेज गति से करेंगे। कुल मिलाकर सरकारी अभियान तो भले ही इस 15 दिन में चलेगा, मेरा जनता से भी आग्रह है कि हमको भी पूरा सहयोग करना है, क्योंकि स्वच्छता एक ऐसा काम है जिसमें केवल सरकार के भरोसे अगर रहेंगे तो हम स्वच्छता का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा नहीं कर सकते। सरकारी विभाग कहीं सफाई यानी कर तो सकते हैं, लेकिन सफाई करने तक सीमित नहीं रहना, सफाई रखना ये बहुत जरूरी है। पिछली गंदगी को साफ करने के लिए डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी सब लोग मिल करके, जनता सब मिलकर करेंगे, लेकिन आगे उसको हम अपने स्वभाव को आदत बनाएं कि हम अपने क्षेत्र को, आसपास को स्वच्छ रखेंगे। स्वच्छता करना और स्वच्छता रखना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो स्वभाव में स्वच्छता रखना ये सब आए, ऐसा मेरा आप लोगों के माध्यम से जनता को आग्रह है कि ये संकल्प भी आज के दिन को जरूर लें। तो मेरा इतना ही इसके अंदर विषय है कि हम लोग, गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता की, उस समय आज के युवा को स्वाभाविक है उस समय तो उसको अवसर नहीं मिला, क्योंकि हम उसकी बाद की पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन कम से कम ये जो अगली लड़ाई है, गंदगी को दूर करना, स्वच्छता लेकर के आना, ये भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है। तो हम अपने युवाओं को आह्वान करते हैं कि आज अवसर है देश की स्वच्छता को यानी आगे बढ़ाना, देश को स्वच्छ करना, क्योंकि सरकारी कुछ कर्मचारी 130 करोड़ के देश को साफ करने में बड़ी कठिनाई आएगी, वो मिलके करना है, लेकिन 130 करोड़ लोग यदि ठान लें तो फिर देश को स्वच्छ रखा जा सकता है। तो अपने देश के अंदर स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज का ये पखवाड़ा हमने शुरू किया है। भारत देश, इसको हमने मिट्टी का टुकड़ा नहीं माना, भारत देश हमारी माता है, माता है तो ये मंदिर है, तो जैसे मंदिर में सफाई की जाती है, पूजा की जाती है, स्वच्छ भाव लेकर के आते हैं, हमारी श्रद्धा होती है, ऐसे ही इस देश के प्रति अपने श्रद्धा भाव को जागृत करके और वॉलंटरली स्वच्छता अभियान में सब भाग लें और लगातार इसको अपना स्वभाव बनाएं, यही आपसे बात करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वच्छता पखवाड़े को लेकर जानकारी साझा करी कि किस तरीके से सरकारी कार्यक्रम तो चल ही रहे हैं अगले 15 दिन तक स्वच्छता को लेकर, लेकिन साथ साथ लोगों को अपने जीवन में साफ सफाई और स्वच्छता का कितना ध्यान रखना है इस पर भी विशेष रूप से एक तरीके से अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाया जाएगा और स्वच्छता की कितनी अहमियत है, कितनी जरूरत है उसको मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा उस पर चर्चा करी।